हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? तो करंट अफेयर्स का ये फटाफट रिवीजन सीरीज है 15 दिसंबर 2021 की, एंड 15 दिसंबर इस लेक्चर के ऑलरेडी टॉपिक्स मैं कवर करा चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पर ये लेक्चर देख रहे होंगे, तो आपको सभी को प्रॉपर लिंक्स जो है वो हर एक टॉपिक की जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इस रिवीजन के दौरान, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। और बाय द वे, आपको जो भी कोर्सेज हमारे ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं 9713282838 पर, आपको कोर्सेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फुल फ्लेज हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, करंट अफेयर्स का लाइव कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें आप ये पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल, फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा आप लोग से क्वेश्चन है कि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल बताइए फटाफट कि किसके द्वारा स्टैब्लिश की जाती है। तो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 के तहत इसे स्टैब्लिश किया गया था। एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है ये। यस बिल्कुल, महक जी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। डीएम, आज की डेट में डीएम जो है वो इसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को स्टैब्लिश कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और साथ ही साथ सेंटर, केंद्र के पास भी पावर हम लोग को देखने को मिलती है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को स्टैब्लिश करने की। और फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल जो है वो, यानी कि ये कोर्ट जो है ये क्या बताती है कि कौन व्यक्ति इलीगल तरीके से इंडिया में रह रहा है या नहीं रह रहा है, या फिर ये घोषित करती है कि कौन फॉरेनर है या नहीं है। और अगर इसने, इस कोर्ट ने एक बार किसी व्यक्ति को फॉरेनर घोषित कर दिया, तो उस व्यक्ति को फिर अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री में डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो जो भी व्यक्ति इलीगल तरीके से इंडिया में रह रहे होते हैं फॉरेनर, राइट, तो वो इलीगल तरीके से इंडिया में रह रहे हैं, वो फॉरेनर है या नहीं है, तो वो डिसाइड करती है कोर्ट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। इसमें स्पेशली आपको पता होना चाहिए कि इस ट्राइब्यूनल के मेंबर कौन होते हैं। तो रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर, आसाम जुडिशियल सर्विसेज के सिविल सर्वेंट, जिनके पास एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, बताया जा रहा है कि जुडिशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी की रैंक के नीचे के नहीं होने चाहिए, ऐसे रिटायर्ड ऑफिशियल्स सिविल सर्वेंट्स। और साथ ही साथ कोई एक ऐसे व्यक्ति, राइट, जिन्होंने एटलीस्ट 7 सालों तक जिनका एक्सपीरियंस हो, राइट, किस चीज का, यानी कि एडवोकेट्स, मतलब जिनके पास जो है वो एक्सपीरियंस हो इस फील्ड का, जुडिशियल सर्विसेज का। अब एडवोकेट के पास तो होगा ही होगा, राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। 35 years of advocacy experience of at least 7 years advocates, right? 7 साल तक वो advocate जो है वो रहे हो, right? और 35 वर्ष से कम की आयु वाले व्यक्ति, तो इनको जो है वो रखा जाता है एज ए मेंबर के तौर पर। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एंड 2019 का ये हम लोग को अमेंडमेंट देखने को मिला था, जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जो है वो पावर दे दी गई, और साथ ही साथ ये पावर भी इसके अंदर शामिल कर दी गई कि अब कोई भी व्यक्ति इस कोर्ट में अपील कर सकता है। पहले सिर्फ स्टेट अथॉरिटीज ही या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ही केस फाइल कर सकती थी इस ट्राइब्यूनल के अंदर, बट अब कोई भी व्यक्ति जो है इस ट्राइब्यूनल के अंदर केस फाइल कर सकते हैं या अपील कर सकते हैं, राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये पॉइंट है छोटे से, जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैंक इंश्योरेंस से रिलेटेड ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी कितने लाख रुपए तक का बैंक इंश्योरेंस जो है वो अलाउड है बताइए जरा, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 5 लाख रुपए तक का, याद रखिएगा 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस हम लोग को देखने को मिलता है कि वो अलाउड है। अच्छा, इस इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है वो कौन पे करता है, बैंक पे करती है या जो डिपॉजिटर्स जो होते हैं जिन्होंने बैंक में पैसा जमा किया है वो पे करते हैं, बताइए, बैंक पे करती है। कितना है, तो इन जनरल 10 पैसा पर 100 रुपीज का हम लोग को, यानी कि जो भी बैंक के अंदर 100 रुपए डिपॉजिट है तो हर 100 रुपए में 10 पैसे जो है वो DICGC चार्ज करती है। गवर्नमेंट ने इस कॉरपोरेशन को जो है वो सेटअप किया है RBI के अंडर, ये हम लोग को देखने को मिलती है। अगर कोई बैंक फेल हो जाती है, बैंक डूब जाती है, तो उस बैंक में मौजूद जो लोगों का पैसा होता है, डिपॉजिटर्स का पैसा होता है, वो ये इंश्योरेंस कंपनी जो है वो चुकाती है, रिटर्न करती है 5 लाख रुपए तक पैसे को, ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और सभी करंट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, FD, सेविंग्स अकाउंट, सब जितने भी कमर्शियल बैंक के हैं जो इंडिया के अंदर है बैंक, तो उसके सभी के डिपॉजिट इसके अंदर कवर्ड है, राइट। और जो स्टेट, सेंट्रल और प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स जो स्टेट या यूनियन टेरिटरीज के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, ऑपरेट कर रही होती है, तो वो भी इसके अंदर कवर्ड है, राइट। और साथ ही साथ स्पेशली, बट अगर जो स्टेट का जो पैसा हम लोग को देखने को मिलता है या इंटर बैंकिंग वाले जो ट्रांजेक्शन हम लोग को देखने को मिलते हैं, उसका इंश्योरेंस ये कवर नहीं करती है, राइट, तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। और RBI क्या करती है, जैसे एक बैंक फेल हो जाती है तो RBI अपॉइंट करती है एक ऑफिशियल को, जिस ऑफिशियल का काम होता है एक लिस्ट तैयार करना कि किन लोग को पैसे जो है वो रिटर्न करना है, राइट। तो फिर जो ऑफिशियल होते हैं जो RBI अपॉइंट करती है, तो वो क्या करते हैं, फिर वो DICGC को अप्रोच करते हैं और उनको वो लिस्ट प्रोवाइड कराते हैं, और DICGC के पास जैसे ही ये लिस्ट आती है तो 2 महीने के अंदर 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 DICGC जो है वो पे कर देती है ड्यूज को, राइट, जो
लोगों के होते हैं, राइट, जो डिपॉजिटर्स के हम लोग को देखने को मिलते थे। इस प्रकार से ये प्रोसीडिंग इसकी हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा इसमें जैसे कि जो फॉरेन गवर्नमेंट्स के जो डिपॉजिट है वो कवर नहीं है, सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट ने जो पैसा जमा किया है वो उसके अंदर कवर नहीं है इंश्योरेंस के अंदर, इंटरबैंक डिपॉजिट इसके अंदर कवर नहीं है, जो मैंने भी आपको बताया था, है ना। तो ये चीज है, जो डिपॉजिट स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स के हम लोग को स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स में देखने को मिलते हैं वो इसके अंदर कवर नहीं है, और कोई भी अमाउंट जो हम लोग को देखने को मिलता है इंडिया के बाहर रिसीव किया गया हो तो वो भी इसके अंदर कवर्ड नहीं हम लोग को देखने को मिलता है, या फिर इसने ऑलरेडी कुछ इसमें इसके अंदर एग्जेम्पशन हम लोग को देखने को मिलते हैं जो कि आरबीआई अप्रूव करती है, तो ऐसे जो एग्जेम्पशन होंगे तो वो भी इसके अंदर कवर्ड नहीं होंगे। क्लियर है? आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई डाउट आया होगा, बहुत तरीके से हमने इस टॉपिक को कवर किया था। G7 ग्रुप ऑफ 7, तो आप मुझे बताएं कि G7 पहले से ही G7 थी क्या या G8 थी, सबसे पहले बताइए इसको आप, पहले से ही क्या ये G7 थी या G8 थी। गाइस G7 जो है वो स्टार्टिंग से सिंस ओरिजिन वो G7 ही थी। आपको इसके अंदर जो है वो कई आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा इस पर्टिकुलर नोट्स के अंदर भी कि ओरिजिनली G7 जो है वो G7 थी। देखिए क्या लिखा है कि G7 ओरिजिनली G8, बट लेट मी टेल यू कि G7 ओरिजिनली G8 थी नहीं। तो आप बोलोगे सर लिखा गलत है क्या? हाँ गलत लिखा हुआ है। G7 जो है हमें देखने को मिली थी कि 1975 में सेटअप हुई थी, और आप देखिए 1998 में हमें देखने को मिलता है कि ये आप देखिए ये 1998 में G7 G8 बनी। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ओरिजिनली G8 थी? नहीं थी, बट G7 ओरिजिनली G8 का मतलब कि रीसेंट पास्ट में, तो उस कॉन्टेक्स्ट में वहां पर नोट्स लिखे हुए हैं। बट जब आप चीजों को पढ़ते हैं समझते हैं तो आपको इस टाइमलाइन को भी देखकर चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फिर 2014 में रशिया ने कांड कर दिया था, राइट, यूक्रेन को अपने कंट्रोल में कर लिया था, और मैंने आपको पूरा रशिया यूक्रेन के इशू को भी पढ़ाया हुआ है काफी डिटेल में, अगर आप उससे रिलेटेड लिंक्स मांगोगे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दे दूंगा। तो 2014 में रशिया ने जैसे ही ये कांड किया था और उसके बाद हम लोग को देखने को मिला कि G8 से वापस रशिया को फेंक दिया और G7 बन गई, है ना। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यस, क्रीमिया को, मीरा जी ने बिल्कुल करेक्ट लिखा, क्रीमिया को अपने कंट्रोल में कर लिया था। लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, कोई मुझे समझा सकता है लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स के बारे में? फटाफट बताओ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट क्या होते हैं। अभी रिलोज एग्रीमेंट साइन होने वाला है रशिया, द रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। इसमें सबसे ज्यादा फायदा मिलता है हमारी नेवल फोर्स को, नेवी को सबसे ज्यादा। तो हमारी नेवी जो दूर दराज के एरिया पे हम लोग को देखने को मिलती है, ऑपरेशन करती है, ऑपरेट करती है, राइट। तो क्या होता है कि जैसे कि हमने रशिया के साथ ये एग्रीमेंट किया, हमारे ये एग्रीमेंट यूएसए के साथ भी और ऐसी 6 कंट्रीज के साथ ऑलरेडी हमारे ये एग्रीमेंट है, राइट। तो क्या होता है कि हम अगर किसी कंट्री के नजदीक गए, राइट, कोई कंट्री हमारे जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी हमारा जो शिप है, राइट, नेवल शिप, अगर वो जा रहा है किसी ऑपरेशन के लिए और उसका पेट्रोल चाहिए, उसको फ्यूल खत्म हो, पेट्रोल नहीं बोलेंगे, राइट, फ्यूल जो है उसका खत्म हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यूएसए को यहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि भैया हमारी शिप आ गई है, उसमें थोड़ा तेल डलवा दो। तो जो यूएसए जो है वो पास में आएगी, हमारी नेवल शिप की तेल डाल देगी और हमें रफा दफा करेगी। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अपने सामान को कुछ वहां पर रखवाना है कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जैसे कि हमारी एक शिप है उसने सामान रखा, फिर दूसरी शिप आकर उसको उठाएगी, तो ऐसी सर्विसेज जो होती हैं ये प्रोवाइड करा सके। और ना ही सिर्फ शिप वगैरह की बात हो रही है, बस उसमें फायदा ज्यादा से ज्यादा शिप को ही मिलता है, नेवल फोर्सेज को मिलता है, बट इसमें एयरफोर्स भी इंक्लूडेड है। मतलब लॉजिस्टिक मतलब कुल मिला के कोई भी हम लोग को अगर किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ रही है हैंडलिंग के पर्पज के लिए या ऑफलोडिंग, राइट, लोडिंग के पर्पज के लिए, तो ये हेल्प कर देते हैं, इस प्रकार की चीज हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये चीज है, राइट, एग्जैक्टली आर्म सपोर्ट तो नहीं, बट हाँ इस प्रकार का सपोर्ट आप कह सकते हो, इस प्रकार का मिलिट्री सपोर्ट, लॉजिस्टिक एक्सचेंज सपोर्ट, तो ये आप कह सकते हो। और ये क्या होता है, म्यूचुअल होता है, राइट, म्यूचुअल है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं कि एक तरफा है, ये प्यार दो तरफा होता है, राइट, इस प्रकार का। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। और इंडिया के ऑलरेडी ये एग्रीमेंट है, अभी रशिया के साथ हो रहा है, उससे पहले क्वाड कंट्रीज यानी कि यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी है, और इसके अलावा सिंगापुर, फ्रांस, साउथ कोरिया के साथ भी हमारे इस प्रकार के एग्रीमेंट है, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। यूएसए के साथ जो है वो काफी फेमस हम लोग को लिमोआ देखने को मिलता है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जो यूएसए के साथ हमने 2016 में किया था, उसके बाद से फिर दूसरी कंट्रीज के साथ होना शुरू हो गया, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, दिस इज द मेन थिंग जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। S-400 और CATSA तो रटा हुआ है आप लोगों को, इसको तो मुझे आप लोग को किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि है जरूरत। तो S-400 के बारे में आप जानते हो कि S-400 जो है वो कितना इम्पोर्टेंट हम लोग की वो है टेक्नोलॉजी, राइट। और वो वाला एंगल भी आपको ध्यान में रखना है कि यूएसए क्यों गुस्से में बैठा हुआ है, ईगो, एक तो सबसे बड़ा ईगो, हमने उससे परचेज नहीं किया, दूसरा उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैम्पर हुआ, तीसरा उसके दुश्मन के साथ हमने दोस्ती कर ली, राइट। तो दिस इज द थिंग।
और कार्ड से ये लेकर आया था यूएसए किस पर्पज के लिए, कि नॉर्थ कोरिया, रशिया और क्या नाम था उस कंट्री का तीसरी कंट्री, ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया और ईरान, इन कंट्रीज के साथ कोई भी दूसरी कंट्री अगर किसी प्रकार से मिलिट्री में ट्रेड करती है, डिफेंस में ट्रेड करती है, तो यूएसए उस कंट्री के ऊपर भी सैंक्शन लगा देगा जिसके साथ ये कर रही है। और यूएसए कार्डसा को 2017 में लेकर आया था, राइट, दिस इज द थिंग। और अभी रिसेंटली कार्डसा टर्की के ऊपर लगाया, बिल्कुल सही लिखा राजवीर जी ने, वेरी गुड। ठीक है, तो ये चीज है, ये एंगल्स है, बहुत अच्छे से आपको इसको ध्यान में रखना, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। डीलिमिटेशन कमीशन, इसका काम क्या होता है डीलिमिटेशन कमीशन का, बताइए जरा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सेट करना, बनाना। डीलिमिटेशन कमीशन क्या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होती है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं होती क्या? तो ऐसा नहीं है, दोनों के लिए हम लोग को देखने को मिलती है। स्टेट्स की भी जो वो होती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज वगैरह जो होती है वो डीलिमिटेशन कमीशन सेट करती है। डीलिमिटेशन कमीशन काफी ज्यादा पावरफुल बॉडी है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि इसके जो ऑर्डर होते हैं ये इनको, इसके ऑर्डर को आप कह सकते हो कि फोर्स ऑफ लॉ के तौर पर जो है आप इसको कह सकते हो, यानी कि एक प्रकार से कानून जो है वो माना जाता है इसके ऑर्डर को, इसके दिए गए ऑर्डर को, राइट। और इसके जो दिए गए ऑर्डर जो होते हैं उसको आप कहीं पर भी चैलेंज जो है वो नहीं कर सकते हो, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो कब तक के लिए फ्रीज कर दी गई है अभी एट प्रेजेंट, कौन से ईयर तक के लिए फ्रीज कर दी गई है, कैन एनीवन टेल मी? 2026 तक फ्रीज कर दी गई है। अब 2026 के बाद जो भी सेंसस आएगा, यानी कि 2031, तो उसके बाद डीलिमिटेशन कमीशन सेट होगी। और अभी डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए सेट हुई थी, क्योंकि आप बाइफर्केशन आप ऑलरेडी जानते हैं, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जो हमें देखने को मिला। तो अब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर टोटल कितनी सीटें होने वाली है, 90 सीटें हैं, ठीक है, क्योंकि ये डीलिमिटेशन कमीशन 7 सीटों के लिए और बनाई जा रही है या बनाई गई है, जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसे बाउंड्री कमीशन भी जो है वो कहते हैं। डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग हम लोग को देखने को मिलती है कि इसके 3 मेंबर होते हैं। एक कौन होंगे, सर्विंग यानी कि सिटिंग या फिर रिटायर्ड जज, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एज अ चेयरमैन के तौर पर, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर जिनको सीईसी ने नॉमिनेट किया हो, या फिर और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एक्स ऑफिशियल मेंबर, इसके हम लोग को देखने को मिलता है। आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 बात करता है डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में, कि हर एक सेंसस के बाद डीलिमिटेशन कमीशन नेशनल लेवल के लिए होना चाहिए और स्टेट लेवल के लिए होना चाहिए, बट अभी क्या हो गया, अभी इसको फ्रीज कर दिया गया। अब देखो, फिंस वीवर बर्ड, ये जो बर्ड जो थी वो वल्नरेबल की कैटेगरी में थी, और इसको जो है वो अपलिस्ट करके एंडेंजर्ड की कैटेगरी में जो है वो रख दिया गया है, लुप्त प्राय की कैटेगरी में रख दिया गया। मेरे ख्याल से 500 से भी कम ये बर्ड हम लोग को आज की डेट में हम लोग को इंडिया में देखने को मिल रही है, और ये बर्ड ज्यादातर उत्तराखंड, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राइट, और कुछ एरिया आसाम का वहां पर हम लोग को नजर आती है, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। एशियन पावर इंडेक्स के तहत इंडिया जो है वो 4th नंबर की मोस्ट पावरफुल कंट्री हम लोग को देखने को मिल रही है, तो ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इंडिया 4th मोस्ट पावरफुल कंट्री है एशिया पैसिफिक क्षेत्र में, राइट। टॉप 10 कंट्रीज ये हैं, इसमें 4-5 कंट्रीज के नाम ध्यान में रखो, टॉप 3 के तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के ऊपर कौन है, यूएसए, चाइना, जापान, इंडिया के नीचे रशिया हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो ये बेसिक सी चीज है। एमएसपी के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, अभी एक बिल जो है वो लाया गया है, प्राइवेट बिल है, जो कि आप जानते हैं कि वो कभी भी पास होते नहीं है, राइट, प्राइवेट मेंबर बिल, तो ये हमें देखने को मिला है। द फार्मर्स राइट टू गारंटी मिनिमम सपोर्ट प्राइस रियलाइजेशन ऑफ एग्री प्रोड्यूस बिल, तो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बिल्कुल सही लिख रहे हो आप, नहीं A2 होगा ना, A2 प्लस FL और C2, A2 होगा वो, A2, यस A2, वेरी गुड, बिल्कुल सही जो है वो आपने लिखा, जिसमें A2 का मतलब हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि फार्मर जो भी जो फार्मर्स होते हैं, जो भी यानी कि सीड्स वगैरह के लिए, केमिकल्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए जो खर्चा करते हैं वो A2 में आ जाता है, राइट। और A2 प्लस FL यानी कि फैमिली लेबर, राइट, उसको भी कैलकुलेट किया जाता है। C2 यानी कि उनके रेंट्स वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह, इसको कैलकुलेट किया जाता है, और कैलकुलेट करने के बाद इसका, इस कॉस्ट का 1.5 गुना ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है कि एमएसपी रखा जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिन भी स्टूडेंट ने इस टॉपिक को पर्टिकुलरली नहीं सुना है, ध्यान से नहीं पढ़ा है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मैं आपको दे दूंगा, बहुत ध्यान से जो है वो सुनना, स्पेशली यूट्यूब के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, बाकी हमारे जो ऑलरेडी जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं तो उनको तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, और अगर किसी को कोई डाउट है तो तुरंत पूछो आप, क्योंकि ये जो आपकी जो क्लास चलती है फटाफट रिवीजन की, ये सिर्फ फटाफट रिवीजन की क्लास नहीं होती, ये डाउट सेशन होता है बेसिकली आपका, इसमें आप अपने डाउट्स है वो, बट इस प्रकार से हमने चीजों को कवर किया हुआ, आई डोंट थिंक कोई डाउट जो है वो आप लोग को आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। और इसके अंदर ये वाले एंगल्स भी जो है बताए गए हैं कि हमारी कंट्री के अंदर क्या इश्यूज हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है एमएसपी से रिलेटेड, राइट। एमएसपी जो है वो प्रॉपर तरीके से हमें देखने को मिलता है कि ऑपरेट नहीं हो रही। अच्छा, एमएसपी को लाना क्या सही है कि नहीं है, व्हाट आर योर व्यूज रिगार्डिंग दिस, कि परमानेंट यानी कि इसको स्टैट्यूटरी यानी कि कानून का दर्जा देना सही है कि नहीं है,
नहीं एग्जैक्टली बिल्कुल, अगर इंडिया की कंडीशन की बात करें तो इंडिया की कंडीशन में ये चीज सही नहीं होगी, क्योंकि इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट राइट, नॉट इवन डोमेस्टिक सेंस में, इंडिया के सेंस में, बल्कि एक्सपोर्ट हमारा खराब हो जाएगा इसके कारण राइट. चाइना का केस बिल्कुल, चाइना ने भी इसी प्रकार की हरकत करी थी और इसका केस जो है वो चाइना WTO में हार गया था राइट. और इसके कारण बड़ी इंटरनेशनल भी हम लोग को इश्यूज देखने को मिलते हैं राइट, क्योंकि प्राइस में जो है वो रॉ मटेरियल अगर महंगा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फिनिश गुड भी महंगा होगा, इससे इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो है वो बढ़ेगी राइट. दिस इज द मेन थिंग जो कि आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है राइट. तो ये चीजें हैं, एक्सचेकर के ऊपर बर्डन भी काफी ज्यादा बढ़ेगा. इवन इसमें मैंने आप लोग को समझाते समय वो टैक्स पेयर वाला भी एक क्लॉज जो है वो समझाया था राइट, क्योंकि इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली टैक्सेस टैक्स पेयर जो होंगे उनके ऊपर भी बर्डन ज्यादा बढ़ेगा राइट. तो दिस इज द थिंग. तो ये था गाइस पूरा वाला टॉपिक, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. बाकी ये वाला सेशन अपना फिनिश हो गया एंड दिस इज द नंबर, आपको जो भी कोर्स परचेज करने हैं इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप कोर्स की डिटेल ले सकते हैं. आप व्हाट्सएप करके कोर्स की डिटेल ले लीजिएगा. यस बिल्कुल, महक जी ने बिल्कुल सही लिखा, इंटरनेशनल मार्केट भी डिस्टर्ब होता है. टेलीग्राम पे क्या चीज है महक जी, टेलीग्राम पे क्या है, कौन सी चीज की आप बात कर रहे हो? आंसर, अच्छा आंसर राइटिंग है, ओके 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 ओके, मैं बताता हूँ आपको. देखो हम लोगों ने गाइस क्या किया है कि आप लोगों के लिए एक गिफ्ट लेकर आए. मैं इस चीज को एक काम करें, यस न्यू ईयर वाला, अच्छा न्यू ईयर वाला गिफ्ट. चलो पहले मैं आपको न्यू ईयर वाला गिफ्ट बता देता हूँ. तो यार आप लोगों ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया है तो उसके लिए जो करंट अफेयर्स की जो पीपीटी पीडीएफ जो होती है, पीपीटी पीडीएफ, सिर्फ पीपीटी पीडीएफ जो है वो अब हम लोग टेलीग्राम पर जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, जो सभी लोग के लिए ओपन रहेगी. एंड बाकी जो स्टूडेंट हमारे इनरोल्ड रहते हैं तो आप लोग को न्यूज़पेपर भी मिलते हैं, आप लोग को मैगजीन भी मिलती है, क्वेश्चंस भी जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, ये सब चीजें आपको मिलती हैं. बट हम लोग अपने जो रेगुलर अपने फॉलोअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए पीपीटी पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड रेगुलर बेसिस पर अब कराएंगे कल से, 21 तारीख से. फर्स्ट चीज ये है. एंड सेकेंड चीज, आंसर राइटिंग का एक फ्री प्लान भी हम लेकर आ गए हैं और एक प्लान हम लोग लेकर आ गए हैं पेड, जिसके बारे में आप जानते हैं वो सबसे प्रीमियम है, वो सभी लोग को आपको ज्वाइन करना है. जो जो ये प्लान है फ्री वाला, उस प्लान में हम लोग प्रीवियस ईयर के, हमारी एक बहुत ही अच्छी फैकल्टी है जिन्होंने अभी करवाना शुरू कर दिया है, रेगुलर बेसिस पर आपके पास वीडियोस आएंगे राइट. और वीडियोस की पीडीएफ भी आपको दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर ही राइट. कौन सी वाले, ये जो वीडियोस हम लोग को देखने को मिलते हैं मेन्स आंसर राइटिंग, और बहुत अच्छा, यानी कि आप ये मान के चलिए कि एक आंसर को उसकी हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर करवाया जाएगा, हर एक पॉइंट पर्टिकुलरली राइट. और बाकी जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग का जो प्लान है 7777 वाला, तो उस प्लान के अंदर भी आपकी 500 से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी और हमारी फैकल्टी उसको चेक करेगी. तो उसके बारे में आप ऑलरेडी जानते ही हैं, जो जनवरी फर्स्ट वीक से आपका आपकी सीरीज जो है वो शुरू हो रही है. तो जिसको भी ज्वाइन करना है जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, और आपके सपोर्ट के कारण ही ये सब चीजें हो पाई है. तो ये गिफ्ट नंबर वन था राइट, जिसमें आपकी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हमने शुरू कर दी, इसकी पीडीएफ देना शुरू कर दी, करंट अफेयर्स की भी अब पीडीएफ मिलना आपको शुरू हो जाएंगी. ये फर्स्ट गिफ्ट है आपका. सेकंड गिफ्ट आपका ये है कि खबरी एप्लीकेशन पर आप जाएं, खबरी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, इसमें काफी सारे कोर्सेज हैं, काफी सारे कोर्सेज. आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे ऊपर आपके पास ऑप्शन आएगा कोर्स का, तो कोर्स है 250 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, 150 रुपए. आप किसी भी कोर्स पे क्लिक करेंगे, कैपिटल लेटर में झासर लिखेंगे, JHASIR, तो आपको वो कोर्स जो है इंग्लिश वाला भी, सभी 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 अब तो सभी हो गए, उसमें से कोई भी एक कोर्स जो है वो आपको मिल जाएगा, पेड कोर्स आपको एज अ गिफ्ट के तौर पर दिया जाएगा राइट. ये गिफ्ट नंबर टू है आपका. और गिफ्ट नंबर थ्री, तो आप लोग जानते हैं अनअकैडमी पर आप झासर कोड का यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट जो है वो वहां पर मिल जाएगा. तो दीज आर द थ्री गिफ्ट्स जो आप लोगों के लिए है न्यू ईयर गिफ्ट, ये आप लोग के लिए मैंने शुरू किए हैं और सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट के कारण. कैसा लगा गिफ्ट? अरे थैंक्स टू यू गाइस यार, थैंक्स टू यू गाइस, ये आप लोगों के कारण ही ये सब चीजें हो पा रही हैं. ठीक है, तो मन लगा के यार तैयारी करो, अपन को चाहिए सिलेक्शन कुछ भी करके, और इस प्रकार की चीजें आती रहेंगी आप लोगों के लिए. ठीक है, तो चलो फिर एमएसपी पॉलिसी है राजीव जी, पॉलिसी है वो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ना वो पॉलिसी है सरकार की.
ठीक है, चलो फिर साइन ऑफ करें, चलो मिलते हैं फिर कल, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।